उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में भीड़ द्वारा पथराव करने के मामले में रसड़ा पहुंचे डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि पूरा विवाद एक कमरे को लेकर चाची और भतीजे के बीच था। इसी को लेकर स्थानीय पुलिस ने एक युवक पन्ना राजभर को चौकी पर बुलाया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पिटाई किया था। इससे आक्रोशित परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने जाम लगाया, जबकि पीड़ित युवक के पीठ पर हल्दी तेल और प्याज का लेप प्लान तरीके से ऐसे लगाया गया कि मानो बहुत पिटाई हुई हो। युवक को रख के जिस तरीके से पथराव हुआ, पुलिस पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिसमें एडिशनल एसपी घायल हुए, सर पूरा मामला सर क्या किया, कितने लोगों की सर उसमें अरेस्टिंग हुई है और मुख्य आरोपी कौन है और वो अभी कहाँ पे है और घायल की हालत कैसी है, सर इसके बारे में बताएं। प्रकरण आप लोगों को पहले से विदित है, आपस में एक कमरे का विवाद था जिसमें चाची और भतीजे के मध्य में बात थी। रामदुलारी राजभर के यहाँ उनके भतीजे पन्नू राजभर रहते थे, उनके बीच में एक कमरे का विवाद था। इसको लेकर के उनके द्वारा पुलिस से कंप्लेन की गई थी। इसी कड़ी में पन्नू राजभर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी पिटाई की। इसी बात को लेकर के आज रसड़ा में परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों द्वारा जाम लगाया गया था। इस कड़ी में पुलिस द्वारा पीड़ित का मेडिकल पहले भी कराया गया था, मेडिकल में कोई इंजरी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी जिस समय परिजन जाम लगाए थे और उनके साथ स्थानीय लोग थे, युवक के पीठ में पूरी तरह से हल्दी तेल प्याज का लांडवे में एक पूरा लेप पड़ा हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता था युवक बहुत ज्यादा घायल है और वो ब्लीडिंग ऊपर से हो रही है। इसी घटना के क्रम में वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा पथराव करने के क्रम में पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठियां पटकी और इसमें पत्थर लगने से एडिशनल एसपी और उनके हमराह सहित कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चोटिल हुए। उक्त संबंध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उसमें जो लोग वहां पर मौके पर भीड़ को उकसाने और पथराव करने में शामिल थे, उन सबको 7 CLA सहित 307 सहित 332 353 सहित सभी जो सुसंगत गंभीरतम प्रशासनिक बाधा और सरकारी कर्मचारियों पर हमले से संबंधित धाराएं हैं वो सब लगाई जाएंगी। अभी तक इस मामले में 15 लोग पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। मुख्य आरोपित अभी भी फरार है, बहुत जल्द ही उसे भी पकड़ा जाएगा। इस मामले में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब वहां पर लोगों ने पथराव शुरू किया तो सबसे पहले पीड़ित युवक ही वहां से उठ करके भगा, जो उसके पहले ऐसा लगता